हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, जिसके करंटली हम डेली चार्ट पर हैं। हमारे ही मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स व्यू जानना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। इस टाइप के डेली फ्री लर्निंग ट्रेड्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मिल जाएंगे जब एक अच्छे लेवल पर होते हैं, तो ये जाकर आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल अगर हम करंट लेवल पर देखते हैं स्टॉक को, तो अभी आपको एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है जो कि करीब 230 के समथिंग है। मेरा जो पहला वीडियो था इस पर 275 के समथिंग था, और इस लेवल के बाद जब भी इसमें कोई भी बाउंस आया है तो मैंने एक वीडियो आपको दिया है वहाँ पर, और अपने तरफ से भी और बहुत सारे मेंबर्स ने भी जब रिक्वेस्ट किया है तो मैंने इस पर वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। 5-6 वीडियोज़ आई थिंक अभी तक हुए होंगे। पहला वहीं यहाँ पर आया था, सेम डे आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर रिवर्सल हुआ था तब भी वीडियो दिया था। अभी अगर हम देखें तो हम अपने थर्ड लेवल के आसपास हैं, ठीक है। पहला लेवल हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था, लेकिन अगर ब्रेकडाउन के बाद देखें तो ये पहला लेवल बनता है 240 का, सेकेंड लेवल बना हमारा 210 के आसपास का, और अभी 200 के आसपास का लेवल है। तो ऑलमोस्ट हम थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल पर हैं अगर हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। फिर अगेन अगर आप देखो सेम चीज़ है, यहाँ पर आज करीब 4% के आसपास बाउंस किया है। और क्या करना चाहिए जो क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, अभी के लिए कोई ज़्यादा प्लान है नहीं, इसमें कंटिन्यू फॉल कर रहा है, ये जो बाइंग है छोटा छोटा, इसमें टैप नहीं होना है। अगेन सेम चीज़ है, 4-5% का है, हो सकता है कल 4-5% और निकल जाए यहाँ से, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेट करिए, प्रॉपर डेली चार्ट में अगर रिवर्सल दिखता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 200 एक राउंड लेवल भी है, और साथ में जितना फॉल कर गया है तो यहाँ से 10-15% का भी बाउंस बहुत नॉर्मल बाउंस होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हो सकता है अगर यहाँ से हम ब्रेक डाउन करके फिर से निकल रहे हैं तो आने वाले टाइम में अच्छा सेलिंग दिखेगा, या फिर अगर हम कंसोलिडेट करके आने वाले टाइम में अगर ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं या रिकवरी दे रहे हैं तो बाइंग भी प्लान हो सकता है। तो फिलहाल की अभी जिस लेवल पर है, यहाँ से अगर हम बात करें दोनों साइड मोमेंटम बन सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जैसा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, बाइंग तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाइंग आना होता तो देखिए जब इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना, तो इस टाइप से एक शार्प रिवर्सल होता है और फिर प्राइस बनाकर मार्केट मूव कर जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हुआ, सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का मोमेंटम जनरली हमें देखने के लिए मिलता है जब भी अच्छे लेवल्स पर होता है। तो अभी इतना इंपॉर्टेंट लेवल मुझे तो नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम यहाँ पर आपको टाइम पास करता हुआ दिखाई दे, देन आने वाले टाइम में डिसाइड हो कि कहाँ पर स्टॉक को जाना है। तो फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए, देन उसके बाद हम इसमें बाइंग या सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर हम ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करके निकल रहे हैं जो कि करीब 200 का, 195 का लेवल है, तो एक अच्छा सेलिंग बनने वाला है। बाइंग की अगर बात करेंगे तो आई थिंक 220 के ऊपर एक प्राइसन अगर बना देता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए करंट लेवल से थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर 160 का लेवल मिलता है तो आई थिंक ये लेवल बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी कहा है, 160 180 का जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए। बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।